हेलो दोस्तों, मैं आंवले के मुरब्बा बना रही हूँ। उसके लिए पहले सबसे पहले आंवले को चूने के पानी में रात भर भिगो के रखना पड़ता है। तो इसके लिए पानी में चूना डाल लेते हैं, जो पान के ऊपर डाल के खाया जाता है। आंवले में छेद कर देंगे इसको इस तरह से। इसको चूने वाले पानी में डालते जाएंगे। इसी तरह से सारे आंवले को इसे छेद करके इसको चूने के पानी में डाल देंगे। रात भर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका सारा कच्चा निकल जाएगा। दोस्तों, इसको चूने के पानी में डाल दिए हैं, रात भर भिगो के छोड़ देंगे ताकि इसका सारा कच्चा निकल जाएगा। इसको ढककर रख देते हैं। अब मैं इसको धोकर मुरब्बा बनाएंगे। देखिए दोस्तों, रात भर इसको भिगो के रखे हैं, कच्चा पूरा निकल गया है। अब इसको अच्छी तरह से 3-4 बार पानी से धो लेंगे। इसको पानी में डालते हैं। इसको अच्छी तरह से धोएंगे 3-4 बार पानी से। देखिए दोस्तों, आंवला को एकदम अच्छी तरह से धो लिए हैं। अभी कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, गर्म हो चुकी है। अब इसमें चीनी डालेंगे, 2 कटोरी चीनी डालेंगे और पानी भी 2 कटोरी डालेंगे। देखिए दोस्तों, 2 कटोरी चीनी है और 2 कटोरी पानी है। जब ये उबलने लगेगा तब इसमें आंवला डालेंगे। चीनी उबलने लगा है, अभी इसमें आंवला डाल देंगे। आंवला को डालकर पकाएंगे इसमें। इलायची है, इसको कूट लेते हैं इस दाने को। इलायची पाउडर डालते हैं इसमें। इसको पकाएंगे अभी। जब तक इसका एकदम कलर चेंज ना हो जाए, अच्छी तरह से गल ना जाए इसमें। इसमें काफी समय लेता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। आंच को कम करके बनाए। 300 पे है मेरा इंडक्शन। कम आंच में इसको बनाए क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको पकाने। देखिए दोस्तों, हमारा मुरब्बा बन के तैयार हो गया है, आंवले का मुरब्बा। देखिए कलर भी चेंज हो गया इसका, पूरी तरह से पक गया है। ऑफ कर देते हैं।
देखिए कितना अच्छा कलर आया है मुरब्बे का। देखिए दोस्तों, आंवले का मुरब्बा बनके तैयार हो गया है, विटामिन सी से भरपूर है। देखिए आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आंवले का मुरब्बा, खाने में बहुत टेस्टी होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।